आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हितेश शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। हितेश जी, जी हितेश जी के पास हम चलेंगे कुछ ही देर में। गिरीश, अगर हम वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो उसी से हम शुरुआत कर रहे थे कि एक कवि के रूप में हम उनको जानते हैं, आपने उनकी कविताओं का जिक्र किया, साथ ही एक सफल राजनेता जिस तरीके से, और उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसके भी सब मुरीद हैं, उसके भी सब कायल हैं। किस तरह से ऑपरेशन विजय की अगर जिक्र किया जाए, या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब आती है तो पोखरण में जिस तरीके से 11 और 13 मई को 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण हुए और भारत घोषित तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, ये दर्शाता है कि किस तरह की इच्छा शक्ति थी। देखिए तेजेंद्र, उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ था तो मेरे को उनके घर पर, जो उनके आवास है, वहाँ पर जाने का मौका मिला था, उनके परिवार से बात करने का मौका मिला था, उनकी भतीजी से बात करने का मौका मिला था, उनकी जो बाल सखा थी उनसे मिलने का मौका मिला था। तो जो वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व है उनको जानने का, उनको समझने का मेरे को मौका मिला। तो कहीं ना कहीं अगर बचपन से अगर बात की जाए तो वाजपेयी जी एक अलग प्रतिभा के धनी थे। वो बचपन से ही कहीं ना कहीं कुछ सीखने की क्षमता रखते थे, जिद उनके अंदर एक थी। खासतौर पर उनकी जो एक बाल सखा है, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि उनको लड्डुओं का बहुत शौक था, तो वो लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और एक सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, जब मैं वाजपेयी के निवास पे पहुंचा तो उन्होंने जो अपना निवास स्थान था वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए दिया, उन्होंने अपना जो निवास स्थान था वो युवाओं के कंप्यूटर के प्रशिक्षण के लिए दिया। तो एक अलग तरह का व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और मैं फिर से अपने कैमरा सहयोगी हमें सुमित नौडियाल से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं एक अलग ही माहौल बना हुआ है। प्रार्थना सभा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर देश के जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचने वाले हैं, उपराष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, और इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और लगातार जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका आरंभ हो चुका है, और अब से कुछ देर बाद यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल है सदैव अटल, उस पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आज यहां पर खासतौर पर प्रार्थना सभा में पंकज उदास जो पार्श्व गायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भजन यहाँ पर सुना रहे हैं। तो एक अलग माहौल है, और एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव कहीं ना कहीं वो हर कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हर, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे उनका जन्म दिवस हो, हर कार्यक्रम में वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से इस समय इंतज़ार किया जा रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। उनकी कविताओं की अगर मैं बात कर रहा था तो उनकी एक कविता यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है कि हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। तो बहुत सारी यहाँ पर कविताएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर बाकी और कविताओं की बात करें तो हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी, हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी, हरी भरी धरती को खूनी रंग ना लेने देंगे, जंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनका एक अलग ही मतलब होता है कि जंग नहीं होने देंगे, भूख से लड़ाई करनी है, कहीं ना कहीं गरीबी से जंग जीतनी है। बहुत सारी उन्होंने बात कही कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। अटल जी सुहृदय, आदर्श नेता, अजात शत्रु, दूरदर्शी, संवेदनशील कवि, पत्रकार और न जाने क्या क्या, उनके समग्र व्यक्तित्व में राष्ट्रीयता के साथ साथ एक कुशल प्रशासक की झलक साफ नजर आती है। उनके समाधि स्थल सदैव अटल को
कमल के फूल के आकार में डिजाइन किया गया है। इसके चारों ओर 3 मीटर की 9 दीवारें बनाई गई हैं, जिन पर लगाए गए ग्रेनाइट पर सुनहरे अक्षरों में अटल जी की प्रमुख कविताओं की पंक्तियों को उकेरा गया है। ये समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। कवि मना अटल जी, जिनकी संवेदनाएं उनके समाधि स्थल पर शब्दों के माध्यम से अमर हो गई, वो कहा करते थे, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। अटल बिहारी वाजपेयी उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत की धरती पे जन्मे इन अनमोल शब्दों को कहने वाले कोई और नहीं थे, हमारे अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक ऐसे प्रखर राजनेता जिन्होंने राजनीति के स्तर को न सिर्फ नए आयाम दिए, बल्कि देश विदेश में भारत की विश्व गुरु की छवि को पुनः उजागर किया। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी, भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। एक प्रखर वक्ता के नेता ने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया, और एक कवि और लेखक के नाते जीवन के भिन्न भिन्न विषयों को अपनी पैनी दृष्टि और कोमल हृदय के माध्यम से नित नए रूप से परोसा। आज सिंध में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोई साशोधित हिंदुस्तान हमारा। 25 दिसंबर 1924 अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन और इसमें शामिल होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता हुआ यहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस न्यू इंडिया के संकल्प को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। अटल जी अपने नाम के समान एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। अटल जी जनता की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास भी करते थे। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते थे। समता और समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी एक साधक थे। वे एक ऐसे युग मनीषी थे जिनके पास काल के कपाल पर लिखने मिटाने का अमरत्व प्राप्त था। इस पूरे समाधि स्थल पर अटल जी के जो काव्य मन की संवेदनाएं हैं, उसे
पंक्तियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अटल जी ने 21वीं सदी के मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत की आधारशिला रखी। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी दूरगामी नीतियों ने भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श किया। माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ, अटल जी ने राजनीति में तीन पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम किया, उन्हें रास्ता दिखाया और देश सेवा के प्रति मानवीय मूल्यों का संचार भी किया। वे एक ऐसे भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे थे जिसमें कमजोर से कमजोर वर्ग को भी उनका अधिकार मिले और विकास की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जा सके। अटल जी अपने आप में एक ऐसी महान संस्था थे जो गंगा की तरह हिमालय की विभिन्न नदियों और धाराओं को अपनेपन से समाहित कर जीवन के संघर्षों से तप कर सागर की तरह अथाह हो गए। यह अथाह सागर अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है। वो हमेशा कहा करते थे, मौत की उम्र क्या, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से। वो हमेशा से मन से भारतीय होने पर हमेशा गर्व करते आए। वे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ राजनीति में आए और उसका प्रकटीकरण और परिस्थितियों के मुताबिक नवीनीकरण भी उन्होंने समय समय पर किया। अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थी। जो कल था वो आज नहीं और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। देश प्रेम की भावना हमेशा से उनके दिलो जहन में रची बसी रही। समाधि के केंद्रीय मंच में चौकोर और काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं। ये 9 की संख्या नवरसों, नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। सरलता, वाक्पटुता, सहजता और प्रसन्नचित स्वभाव अटल जी के व्यक्तित्व की आभा थी। उनकी समाधि सदैव अटल, इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि अटल जी की पूरी जीवन यात्रा दीपक से कमल के बीच रही है। इसी यात्रा का फलसफा इस आकृति में भी देखने को मिलता है। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना उनके मंत्रमुग्ध व्यक्तित्व को 4 चांद लगाती थी। कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के सहारे अटल जी के सपनों के भारत को साकार करने की कोशिश वर्तमान में की जा रही है। उन्होंने पहली बार गांव में रहने वाले लोगों को एहसास कराया कि पक्की सड़क होना भी इस देश में उनका अधिकार है।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, उन्होंने भारत के विकास को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने देश के हर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सदैव अटल पर देश के अलग अलग हिस्सों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अटल जी ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए। वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा से रहे। प्रत्यक्ष रूप से उनके भाषण और परोक्ष रूप से अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। वित्त मंत्री भी इस समय यहां मौजूद। राजनीति उनकी कर्म भूमि बनी तो उनके मन में लेखन भी बसता था। राजनीति और लेखन के मिश्रित और उसके संतुलन के स्वर हमेशा से उनके भाषणों में झलकते रहे। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता। अटल जी मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। वे सत्य को सहजता से स्वीकारते रहे और सहजता को उन्होंने सत्य के साथ अभिव्यक्ति दी। एक